आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 19 जून को गौवंश के शवों के मिलने का सिलसिला आरंभ हुआ और लगभग 65 गौवंश के शव मिले और संदिग्ध अवस्था में वे मिले। ऐसा माना जा रहा था कि उनका वध किया गया है, उन्हें उनकी सबकी गर्दन का निचला हिस्सा कटा हुआ था। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सिवनी आए और पवन श्रीवास्तव और उनके द्वारा यहाँ पर सिवनी में जांच की गई। पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर ने भी सिवनी में कैंप किया। अनिल कुशवाहा हैं पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर। इस पूरे मामले के बाद जैसे ही ये घटना घटित हुई, जिला कलेक्टर क्षितिज सिंगल और जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह दोनों का तबादला सिवनी से कर दिया गया। उनके स्थान पर जिला कलेक्टर संस्कृति जैन और पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता की तैनाती सिवनी में की गई। पुलिस अधीक्षक के आने के बाद इस मामले में तेजी आई और लगभग 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 6 आरोपी नागपुर के, जो 7 आरोपी, माफ़ कीजिएगा, 7 आरोपी थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि 7 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया गया और इसमें अभी जांच जारी रहेगी। इसका मूल उद्देश्य, मोटिव क्या था, 11 दिनों बाद, चूँकि 19 तारीख को ये शव मिलने आरम्भ हुए थे, लगभग 11 दिनों के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई मोटिव स्पष्ट नहीं हो पाया, जबकि लगभग 2 दर्जन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट आई है। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता के द्वारा पत्रकार वार्ता में क्या कहा गया, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। उनके द्वारा क्या कहा गया हम सुनवाते हैं। जब मैं इस जिले में आया और मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पे एक पब्लिक टॉपिक रजिस्ट्रेशन का था। और बड़ा ही गंभीर घटना थी कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोगों को सबको ये जानकारी देते हुए अच्छा लग रहा है कि सिवनी की पुलिस के द्वारा अत्यंत ही गंभीरता से मेहनत करते हैं, सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है जो सिवनी के जिले के रहने वाले थे, वो आरोपी भी, और जो इनके नागपुर के साथी थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इनके खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध है, अलग अलग अभी आपको एक प्रेस कोड हम कलेक्ट करते थे, उस प्रेस कोड के आधार पे बता दिया गया है कौन कौन से अपराध में किस किस तरह के आरोपी थे, उनको सबको गिरफ्तार कर दिया गया और सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पहले हम 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिनको घटनाक्रमित किया गया, वर्तमान में भी हम घटनाक्रम में साबित जो लोग ऐसे हैं जो इन्हें से करने के लायक है हम आपके खिलाफ। सर ये सर कब हो गया कि जांच आगे को चले? जांच का दायरा जब तक कि विवेचना कोर्ट में पेश नहीं हो जाती तब तक बंद नहीं होगा और ये विवेचना तब तक जारी रहेगी जब तक कि अंतिम निष्कर्ष पर हम पहुंच न जाए और चालान उसमें चालान प्रस्तुत न्यायालय में चालान प्रस्तुत न करें। हिरासत में लेने के बाद से भी पूछताछ की होगी तो मोटिव क्या है, किस मकसद से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, क्या पता चला? दो वर्ष बंद करके इनको उस एवज में पैसा मिलता है, लोग इस बात के लिए इसरार नाम का उसमें आरोपी है जिसको लोग इस बात के लिए पैसा देते थे कि वो अगर दो वर्ष बंद करेगा तो उसको पैसा दिया जाएगा, उस पैसे के लालच में ये घटना कर कुछ ऐसी चीजें होती है कि एक पिज्जा बिगाड़ने की स्थिति 153 धारा इसमें लगाई गई है अपराध में, और 153 धारा इसी बात पे लगाई गई है कि किसी भी साथी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या
सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की नीयत से कोई कार्य किया है तो उसपे ये चला लगा जो उसी मोटिव के अंतर्गत दिया गया है वही चीजें जानकारी में आई। अलग अलग थाना क्षेत्र में जो अपराध पंजीकृत हुआ उसमें कुल चार अपराधों में 22 आरोपी। सर जो घटना हुई है उसमें जो उन्होंने मवेशी यहाँ पे देखे गए किसी योजना की थी देखने की या फिर उनको ले जाने वाले थे ये ऐसा कोई जांच में अभी बिंदु आया जो विवेचना में अभी तक के तथ्य आए हैं उसके आधार पर कह सकता हूँ कि त्योहारों का समय होने से पुलिस की अच्छी शक्ति थी दिल्ली पुलिस के द्वारा बड़ी अच्छी कार्रवाई की जा रही थी और उसी कारण से ये ले जाने में सफल नहीं हो पाए और इसीलिए ये घटना प्रकाश में आई। इस संबंध में अभी तक बताने की सर इस घटना के पहले क्योंकि घटना 19 तारीख की थी किसके द्वारा पैसा दिया जाता है ये एक आदमी था 10 आदमी थे अलग अलग लोगों के द्वारा पैसा दिया जाता था और जो इसरार नाम का व्यक्ति उसके पास रहा था वो पैसे से फिर वो यहाँ दो चार डिपार्टमेंट से उनसे संपर्क करके पैसा देने वाले मध्यप्रदेश के थे या बाहर के स्थानीय कुछ लोग नागपुर के हैं कुछ लोग मध्यप्रदेश के सिवनी के भी ये पहली बार हुआ है या कि पहले भी जिसके संबंध में विवेचना कर रहे हैं बहुत सारी पूछताछ भी बात की है अभी तक तो उन्होंने पहली बार का स्वीकार किया है और भी जानकारी मिलेगी वो विवेचना का पार्ट है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो न्यायालय में प्रस्तुत करने से पहले बताई नहीं जानी चाहिए न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद ही प्रकाश में आ सकती हाँ इसके आरोप में बहुत सारे मुकदमा है और जो पैसे लेते थे वो भी मुकदमा है जो देते थे वो भी पकड़ना है लेते थे उनके बारे में भी विवेचना जारी है और क्योंकि लोकल लोकल जो से आपने बताया तो लोकल कोई आइडेंटिफाई हुए लोकल पैसा देने वाले आपने कहा ना कि लोकल भी देते थे जो जो नागपुर से जिनको पैसा मिलता था वो यहाँ पे किसी और को पैसा पैसा देते जिसको आप मास्टरमाइंड कहते हैं मास्टरमाइंड जैसी स्थिति इसमें नहीं है एक्चुअली ये एक सम्मिलित अपराध है और इसमें सूत्रधार के रूप में जिसका नाम आया वो इसरार नाम का व्यक्ति है लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था दी गई है कि अगर उनका किसी जांच में विवेचना में कथन दिया जाना है तो जहाँ वो चाहते हैं वहाँ जाके लिया जाएगा उनको थाने पर ना बुला के ना बुलाया जाएगा एफ आई आर के लिए भी अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है 60 वर्ष से अधिक का व्यक्ति है अगर उसकी एफ आई आर लिखी जानी है तो उसके घर पे जाके इस तरह की व्यवस्था की गई है और ये हम सिवनी में भी इसका पालन करेंगे और एक अच्छा उदाहरण देखा भी होगा पढ़ा भी होगा मेरी प्राथमिकता है सर्वोच्च प्राथमिकता है कानून व्यवस्था की स्थिति हमेशा सही रहे दूसरी प्राथमिकता है ऐसे लोगों पर होने वाले अपराध जो कमजोर वर्ग में आते हैं जैसे महिलाएं बच्चे बुजुर्ग खास ख्याल रखा जाएगा उसके खिलाफ कोई अपराध होता है तो प्रशासन की भी मंशा है और उस मंशानुसार कार्य किया जाएगा नए कानून 1 जुलाई से लागू हो और नए कानून लागू होने पर मैं आपको एक चीज़ बताना भी चाहता हूँ अच्छा आप लोग मेरे साथ हैं मैं आपके माध्यम से जनता को संदेश भी देना चाहता हूँ नए कानून में पुलिस की जवान की मौत हो चुकी गोली लगी और अभी भी टीम गई थी क्या ये टीम पूरे हथियारों से सुसज्जित हो गई मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हम इसी केस पे रहें नहीं नहीं इसी केस के बारे में पूछ रहे हैं कि पिछली बार मुझको गिरफ्तार करने गए थे तो एक बैंक ऑफिसर को गोली मार दी थी
17 या 18 जनवरी की बात है, अभी तक वो आरोपी पकड़ाया नहीं। तो अब जब भी पुलिस जाती है, इस प्रकरण में भी गई तो इनका कहना ही है पूरी पूरी सुरक्षा से और पूरी अपनी खुद की सुरक्षा से और पूरी तत्परता से पूरी तैयारी के साथ गई थी। इस प्रकरण में पूरी तैयारी के साथ भी गई थी और रात में भी जब उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जहाँ से लेके आए वहाँ थाने तक ले जाया गया, तो पूरी सुरक्षा के साथ ले जाया गया, गाड़ी के साथ तो पुलिस अधीक्षक सिवनी का क्या कहना था आपने सुना। पत्रकार वार्ता में उनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई, पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर उनके द्वारा दिए गए। वध करने के उद्देश्य से सिवनी बुलाया गया था नागपुर के कुछ लोगों को। वास्तव में ये एक चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है और पुलिस का भी ये मानना दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ये सब किया गया था, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए सिवनी से बाहर के लोगों के द्वारा सिवनी को आखिर क्यों चुना गया। इस बारे में पुलिस को, पुलिस के आला अधिकारियों को विचार करना होगा। पुलिस के अलावा सिवनी के चारों विधायक, दोनों सांसदों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों को विचार करना होगा। अब मौन रहने से शायद काम ना चल पाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।